संत परम कृषि ग्रुप बनायो है, उनने आपरे द्वारा एक वीडियो बनायो मैं देखी दो वीडियो आधार मत पर आप संपर्क करियो, बस आप वजह की जानकारी बताई कौन जानकारी मार बस 41-5 और ए नौ हमारा ऑनलाइन आवेदन मेरे पूरा आपने के लिए रहोगे तो ऑनलाइन आवेदन करियो बस आप क्या कह क्यों बस मारे तो वीडियो आप रे अच्छा लागो आपने वो बहुत बढ़िया लागो किसान देखना चाहिए किसान देखना चाहिए बहुत फायदे इनमें पूरी जानकारी हैंग डिनोडी आवेदन की जानकारी और आप सब तो आप सब्सिडी पास होगी हमें प्रिय किसान भाइयों, आपका हमारे YouTube चैनल एग्रीकल्चर टेक एंड इनोवेशन प्रगतिशील किसान में स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम किसानों को सरकार द्वारा संचालित किसानों के हित की योजनाओं जानकारियों को साझा करते हैं। आज के इस वीडियो में हमारा संयंत्र पर मिलने वाले अनुदान को विस्तार से अलग अलग भागों में बताया गया है। इस योजना के सभी पहलुओं को बारीकी से प्रस्तुत किया गया है। आप वीडियो को पूरा देखें और इस प्रकार के और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल एग्रीकल्चर टेक एंड इनोवेशन प्रगतिशील किसान को लाइक और सब्सक्राइब करें। ये पाइपलाइन अभी खरीदी क्या आपने? तो कितने की पड़ी ये? 35,000 में खरीदी है। तो इस पे सब्सिडी मिलती है आपको पता नहीं क्या? पता नहीं। प्रिय किसान भाइयों, इस वीडियो में फव्वारा संयंत्र स्थापित करने पर राजस्थान सरकार द्वारा किसानों को दिए जाने वाले अनुदान के बारे में विस्तार से बताया गया है, जो आपको बाय द बुक या PDF में कहीं नहीं मिलेगा। इस वीडियो का पूरा कंटेंट मेरे फील्ड कार्य के दौरान हुए व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित हैं। 2021 में हुए बदलाव इस वीडियो में शामिल किए गए हैं। किसान भाइयों, फव्वारा संयंत्र स्थापित करने के लिए सबसे पहले आपको ऑनलाइन आवेदन करना होता है, उसके बाद में जिले के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा स्वीकृति जारी की जाती है, जिसका इन्फॉर्मेशन आपको कृषि पर्यवेक्षक के माध्यम से प्राप्त होता है। उसके बाद में आपको फव्वारा संयंत्र खरीदना होता है तथा ओरिजिनल बिल डायरेक्ट या कृषि पर्यवेक्षक के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में प्रस्तुत करना होता है। उसके बाद में राज किसान पोर्टल ऐप के माध्यम से एग्रीकल्चर सुपरवाइजर आपके खेत फॉरम या ट्यूबवेल पर आकर के फव्वारा संयंत्र का भौतिक सत्यापन यानी फिजिकल वेरिफिकेशन करता है। वो देखता है कि आपने पाइप पूरे खरीदे हैं, नोजल पूरे खरीदे हैं तथा उनके ऊपर जो अंकित ब्रांड ISI और CML नंबर होते हैं उनको सबमिट करके ऑनलाइन वेरिफिकेशन को सबमिट करता है। ऑनलाइन वेरिफिकेशन सफलतापूर्वक सबमिट होने के कुछ दिन बाद आपके अकाउंट में अनुदान राशि आती है। इस वीडियो की रूपरेखा कुछ इस प्रकार है। साधारण परिचय, कृषक योग्यता, स्प्रिंकलर सेट असेंबली, अनुदान राशि, दस्तावेज, ऑनलाइन आवेदन, कंप्यूटर स्क्रीन के माध्यम से दिखाया गया है, ऑनलाइन वेरिफिकेशन यानी वेरिफिकेशन है वो राज किसान ऐप के माध्यम से दिखाया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन और राष्ट्रीय मिशन ऑन ऑयल सीड्स एंड ऑयल पॉम के अंतर्गत किसानों को फव्वारा सिंचाई पर अनुदान दिया जाता है। कृषक योग्यता, इस योजना के तहत सभी वर्गों के किसान अनुदान प्राप्त करने का अधिकार रखते हैं। कुल आवंटित लक्ष्यों का 17.83% अनुसूचित जाति, 13.48% अनुसूचित जनजाति, 30% लघु व सीमांत किसान एवं 30% महिला किसानों को लाभान्वित किया जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी वित्त वर्ष में 100 किसानों को अनुदान देना है तो 13.48% अनुसूचित जाति, 17.83% अनुसूचित जनजाति, 30% लघु एवं सीमांत किसान, 30% महिला किसानों को लाभ दिया जाता है। ये हो जाता है 91.31%। जो बाकी रह जाता है 8.9,
जो सामान्य किसानों को लाभान्वित किया जाता है। कृषि विभाग में पहले आओ पहले पाओ के स्लोगन के आधार पर वरीयता क्रम निश्चित किया जाता है, जिसका टाइम पीरियड अप्रैल से मार्च तक का होता है। किसी श्रेणी विशेष में लाभान्वित किसानों की संख्या पूरी न होने पर उसका लाभ नेक्स्ट वर्ग को दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि अनुसूचित जाति के किसान किसी वर्ष में 13.48% नहीं है तो शेष रही संख्या को अनुसूचित जनजाति को दिया जाता है। उसमें भी पूर्ण न होने पर लघु एवं सीमांत किसानों को और महिला किसानों को और इन सब में संख्या पूर्ण न होने पर उसका लाभ सामान्य किसानों को भी दे है। फव्वारा सिंचाई अनुदान योजना व्यक्तिगत लाभ की योजना होने के कारण ट्रस्ट, कॉलेज, स्कूल, मंदिर एवं धार्मिक संस्थानों को इस योजना से बाहर रखा गया है। कृषि विभाग एवं उद्यान विभाग से संचालित योजना से पिछले 7 वर्षों में किसान ने कोई अनुदान प्राप्त नहीं किया है। इसका शपथ पत्र घोषणा पत्र किसान को देना होगा। किसान के पास स्वयं का कृषि योग्य भूमि होना चाहिए, स्वयं का जो है ट्यूबवेल होना चाहिए और ना होने की स्थिति में पड़ोसी किसान से इस आशय का घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वो उसे अगले 5 वर्ष तक पानी की सप्लाई करेगा। इसका प्रारूप स्क्रीन पर दिखाया गया है। आवेदन पूर्ण रूप से ऑनलाइन किया जाएगा, जिसे इस वीडियो में कंप्यूटर स्क्रीन के माध्यम से समझाया गया है। स्प्रिंकलर सेट असेंबली। किसान भाइयों, जब आप फव्वारा संयंत्र खरीदते हो तो आपको कई तरह के पार्ट्स खरीदने होते हैं। तो इसमें जो हम 41 पाइप खरीदते हैं उसको बोलते हैं HDPE पाइप। ये 63 mm, 75 mm और 90 mm में आते हैं। स्प्रिंकलर नोजल ब्रास कपलर के साथ फुट बटन असेंबली, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। GI राइजर पाइप कपलर के साथ बैंड, टी विथ कपलर एंड प्लग। अनुदान राशि, यदि कोई किसान जो सामान्य वर्ग का है और अपने 2 हेक्टर भूमि पर 41 पाइप और 9 नोजल के साथ फव्वारा संयंत्र स्थापित करना चाहता है तो उसे 15,686 रुपये का अनुदान मिलेगा। वहीं लघु और सीमांत किसान को 41 पाइप और 9 नोजल लगाने पर 18,823 रुपये का अनुदान मिलेगा। जिन किसानों के पास 2 हेक्टर या 2 हेक्टर से कम जमीन है वो लघु व सीमांत किसान की श्रेणी में आते हैं। इसके लिए किसान को तहसीलदार, उप तहसीलदार द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा 50% अनुदान ही मिलेगा। नेक्स्ट है दस्तावेज। आवेदन पत्र में फोटो, ऑनलाइन आवेदन की प्रति और रसीद जो कि ई मित्र से प्राप्त होती है, जमाबंदी, गिरदावरी, नक्शा। जमाबंदी 6 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए और पटवारी द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए। जन आधार कार्ड जो कि मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, क्योंकि जब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो जो मोबाइल नंबर जन आधार कार्ड से लिंक है उसके ऊपर OTP आती है। बिना OTP के ऑनलाइन प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। किसान के स्वयं के नाम से भूमि नहीं होने पर हिस्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। निदेशालय द्वारा जारी पंजीकृत फर्म का ऑथोराइजेशन लेटर, यानी कि जिस डीलर फर्म से आप फव्वारा संयंत्र खरीद रहे हो उसकी डीलरशिप कॉपी आपको प्रस्तुत करनी होगी। कोटेशन, ये पक्का बिल नहीं होता है, ये सामान की एस्टिमेटेड रेट होती है, ये आपको देना होगा। और ट्यूबवेल के बिजली बिल आपको प्रस्तुत करना होगा। शपथ पत्र साधारण A4 साइज पेपर पर सवे का लिखना है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सिंचाई का साधन न होने की स्थिति में शपथ पत्र, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। लघु एवं सीमांत की श्रेणी में आने पर तहसीलदार या उप तहसीलदार द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। आगे का जो प्रोसेस है वो कंप्यूटर स्क्रीन के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। किसान भाइयों, इस पूरे वीडियो का संक्षेप इस प्रकार है।
ऑनलाइन आवेदन के लिए दस्तावेज, आवेदन पत्र में फोटो ई मित्र पर मिलेगा, जमाबंदी पटवारी द्वारा प्रमाणित और 6 महीने से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए, जन आधार कार्ड, बैंक पासबुक जिसमें खाता संख्या और IFSC कोड स्पष्ट नजर आते हों, जिस दुकान से फवारा खरीदना है उसकी डीलरशिप कॉपी, कोटेशन, बिजली बिल, खुद के द्वारा लिखित शपथ पत्र कि मैंने पिछले 7 वर्षों में कृषि संयंत्रों पर लाभ प्राप्त नहीं किया है, खुद का ट्यूबवेल नहीं होने पर सिंचाई का सहमति पत्र, लघु और सीमांत किसान को 60% अनुदान प्राप्त करने के लिए तहसीलदार या उप तहसीलदार द्वारा जारी प्रमाण पत्र, ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी आपको अपने पास रखनी है, 2020-21 से हार्ड कॉपी जमा कराने की जरूरत नहीं है, उद्यान विभाग को ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने के बाद स्वीकृति निकलती है, यदि उसमें आपका चयन होता है तो संबंधित कृषि पर्यवेक्षक आपको फोन या व्यक्तिगत संपर्क करके हमारा संयंत्र खरीदने के लिए कहेगा, यदि आपने पहले ही खरीद रखा है तो डीलर से स्वीकृति निकलने के दिनांक के बाद का बिल प्राप्त करके जिला उद्यान विभाग में जमा करवा दें, उसके कुछ दिन बाद कृषि पर्यवेक्षक आपके कृषि फॉर्म पर आकर फवारा संयंत्र का भौतिक सत्यापन करेगा, एक फॉर्म पर हस्ताक्षर करवाएगा, इस फॉर्म के साथ आपको फवारा संयंत्र के ओरिजिनल बिल की फोटोकॉपी और ट्यूबवेल का ओरिजिनल बिल देना है, यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद खाते में अनुदान राशि आ जाएगी, यदि कोई किसान अपनी श्रेणी का प्रूफ प्रस्तुत नहीं करता है तो उसे सामान्य श्रेणी का माना जाता है। किसान भाइयों, यह थी फवारा अनुदान पर जानकारी। इस वीडियो में हमने 63 mm HDPE पाइप और इक्विपमेंट को कवर किया है। फवारा अनुदान योजना यहीं समाप्त नहीं होती, सरकार ने किसानों को हर संभव मदद देने की पूर्ण व्यवस्था की है। यदि आपके पास 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन है तो उद्यान गार्डन जैसे कि नींबू, आंवला, बेर इत्यादि के लिए निम्नांकित स्प्रिंकलर का अनुदान है, रेंगम माइक्रो स्प्रिंकलर, ड्रिप सिंचाई, मिनी स्प्रिंकलर, ड्रिप मिनी माइक्रो सिंचाई यंत्रों की इकाई लागत और अनुदान राशि अलग अलग हैं। इसके वीडियो जल्दी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, जल्दी से प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। ये राज किसान पोर्टल, इसको मैंने लॉगिन किया और यहाँ पर मैं लंबित पे जाऊँगा, यहाँ से मैं स्प्रिंकलर पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर एक हमारे किसान है जिनकी ऑनलाइन वेरिफिकेशन करनी है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप ये जो आ रहा है सत्यापन के लिए चेकलिस्ट, तो इसको हम इनेबल करेंगे, इसको हम ये कर देंगे क्रॉस। यहाँ लिखा है कि क्या किसान ने पिछले 7 वर्षों में कुल 5 हेक्टेयर भूमि क्षेत्र में फवारा संयंत्र या किसी अन्य सिंचाई संयंत्र का लाभ उठाया है, तो यहाँ पर लिखना होगा किसान ने पिछले 7 वर्षों में कृषि सिंचाई संयंत्र पर अनुदान नहीं दिया है, सेव। ठीक है, नेक्स्ट है कुल भूमि क्षेत्र जहाँ फवारा संयंत्र स्थापित करना है न्यूनतम 0.2 हेक्टर और एकदम 5 हेक्टर, इसको हम राइट करेंगे, हमारी भूमि जो है 0.2 और 5 हेक्टर के बीच में, यानी किसान के पास तकरीबन 12 बीघा जमीन है, क्या सिंचाई का स्रोत उपलब्ध है, बिल्कुल है, क्या फवारा संयंत्र संतोषजनक काम कर रहा है, निर्माता सूसी। अब देखो ये इन्होंने खरीदा है कहाँ से,
तो हम लेंगे, ये है बालाजी इरिगेशन प्राइवेट लिमिटेड, ये निर्माता सूची है, इसको हम ओके कर देंगे। तो अभी ब्रांड आ रहे हैं इसके, कौन कौन से ब्रांड हैं, तो ये है अजीत ब्रांड। तो पाइप का प्रकार, पाइप है HDPE, जो पहले हमने वीडियो में बात की, तो इस प्रकार का पाइप है, इसको हम क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। अब देखिए हमने इसको आगे की डिटेल भरना है, कंपोनेंट है स्टैंडर्ड क्वांटिटी, इंटर एस्टिमेटेड क्वांटिटी एज पर एस्टिमेटेड बिल, इंटर क्वांटिटी ऑफ इंस्टॉलेशन एट साइड यूनिट, कि कितनी क्वांटिटी खरीदी है और जो खेत के अंदर है वो कितनी क्वांटिटी इंस्टॉल्ड यानी काम कर रही है। उसके बाद ISI मार्क लिखने हैं, इंटर बेस नंबर लिखने हैं, इंटर CML निकले और कोई मार्क है तो लिखना है, तो इसको हम पूरा फिल करेंगे। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी यानी हमें एक, जैसे कि हमने वीडियो में बात की थी कि हमें 41 पाइप खरीदना है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 41, इंटर एस्टिमेट क्वांटिटी एज पर बिल पे कितनी है 41 और ज़मीन पर कितनी है 41। अभी हम ISI नंबर इसके नोट करेंगे, तो यहाँ पर हमने जो पार्ट वन वाला ये जो है पाइप के ऊपर अंकित है, इसको क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। नेक्स्ट है इंटर द बेस्ट नंबर, बेस्ट नंबर है हमारे 1201 और CML नंबर हम लिखेंगे इसमें, सपोज़ कीजिए 425 325 हो गया, रिमार्क हमारा कुछ नहीं है। नेक्स्ट हम आते हैं क्यूक कपल्ड SDP 63 mm फुट बैटन एसेंबली। जैसा कि मैंने वीडियो में बताया था कि हम 63 mm, 75 mm और 90 mm पाइप की बात पर अनुदान है, तो यहाँ पर हम 63 mm पाइप के लिए वेरिफिकेशन कर रहे हैं, तो ये हमें 9 लेना है, जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो खरीदना होता है वो 9 है। तो बिल में कितना लिखा हुआ है 9, ग्राउंड में कितनी लगी है 9। अब इसके जो है हम नंबर लिखेंगे, ISI नंबर है 12232, ओके किया इसको। नेक्स्ट इसके जो है इंटर दी बेस्ट नंबर, इसके बेस्ट नंबर लिखेंगे हम 1201 और CML नंबर लिखेंगे हम इसके 42 5325, रिमार्क कुछ नहीं है। नेक्स्ट है GI राइजर पाइप, जो कि असेंबली के अंदर हमने बात की थी, तो ये हमारे पाइप बिल के अंदर कितने अंकित हैं 9, ज़मीन पर कितने हैं 9 और इसके जो नंबर है वो ISI नंबर ये है, ये ओके करेंगे यहाँ से। और इसके जो हम लिखेंगे ये ब्रांड बेस्ट नंबर 1204 CML नंबर लिखेंगे 42 5325। नेक्स्ट स्प्रिंकलर असेंबली, ये लागू कितना होता है, कितना खरीदना चाहिए 9, बिल में 9 ही है और ज़मीन पे है वो 9 है और इसका जो है ISI नंबर हम ये मार्क कर दिया और ये हम नंबर लिख देंगे 1204। इंटर CML नंबर करेंगे 42 5325। नेक्स्ट क्यू कपल्ड SDP बैंड, जो कि मैंने दिखाया था असेंबली में, बिल में 1 है, ग्राउंड में कितना है 1, इसके नंबर ये लिख देंगे 2008 वाले जो हैं उसके ऊपर ये लिख देंगे हम 1204। ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ और मैंने पहले से नोट करके रखे हुए हैं, तो उसी हिसाब से आपको उस के ऊपर जो अंकित रहते हैं, जैसे यहाँ है SDP बैंड विथ कपड़ा, तो उसके ऊपर ये नंबर लिखे होंगे, वही आपको अंकित करने हैं। नेक्स्ट है क्यूब कपड़ SDP पंप कनेक्टिंग नेपल, जो कि पंप को एक नेपल जोड़ती है, जो जैसा कि मैंने वीडियो में दिखाया था, तो वो स्टैंडर्ड्स क्वांटिटी कितनी है 1 है और बिल के अंदर भी 1 ही है और जो किसान खरीद के लाया वो भी 1 ही है, तो इसके हम नंबर लिखेंगे, ये जो नंबर है इसके ये लिख देंगे और जो भैया इसके जो नंबर होंगे 1204 ये लिखेंगे और CML नंबर लिखेंगे हम 4253 5, रिमार्क में कुछ नहीं है। नेक्स्ट है क्यू कपल्ड SDP इंड प्लग, जो इंड प्लग लगाया था हमने लास्ट में लगता है, वो हमें दो
नियम अनुसार खरीदना होता है। बिल के अंदर दो ही अंकित हैं और किसान ने ग्राउंड पे जो है वो कितने हैं वो भी दो हैं। ये नंबर लिखेंगे इसके और ये नंबर जो है इसके ऊपर अंकित होते हैं वही लिखना है आपने। और ये जो है ये है हमारे टैक्स नंबर लिखेंगे हम 12-0-4। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग फील्ड आप जो हैं वो समझ पा रहे होंगे इसको इस तरह से अंकित करना है। किसान में इसका कोई रोल नहीं क्यों कपल्ड एसटीपी टी विद कपल्ड सेटलमेंट ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक है। ये फील्ड स्टाफ के लिए उपयोगी है लेकिन फिर भी किसान को पता हो तो बेहतरी है जानकारी के लिए। ओके इसको करेंगे हम ये लिखेंगे। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ जो बेस्ट नंबर होते हैं ये पाइप और कपड़े टीम के एक ही होते हैं राइजर के कुछ अलग मिलेंगे। यहाँ मैं रेंडमली भर रहा हूँ वैसे जानकारी कोई फाइनल है नहीं। और ये सब बनने के बाद में कुछ हमें टिप्पणी लिखना होगा तो हम लिखेंगे उसके बाद में जमा पे क्लिक करेंगे तो ये फार्म सबमिट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ऑनलाइन वेरिफिकेशन किस तरह से की जाती है वो समझ आ गया होगा। पधारो मारे तो गए। सर्वप्रथम ई मित्र उपयोगकर्ता द्वारा अपना पंजीकृत SSO ID एवं पासवर्ड डालना है। SSO ID को लॉगिन कर देना है। इसके बाद में सफलतापूर्वक लॉगिन करने के पश्चात उपयोगकर्ता ई मित्र टैब पर क्लिक करेगा। उपयोगकर्ता अब ई मित्र यूटिलिटी टैब पर पहुंचकर यूटिलिटी टैब पर क्लिक करेगा। ये यहां पर यूटिलिटी टैब के अंतर्गत उपयोगकर्ता संबंधित उद्यान सब्सिडी यहाँ पर हम फवारा की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स ये SSO ID पर जाने के बाद में हमें राज किसान पोर्टल पर जाने के लिए रजिस्टर्ड होना होता है। तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है तो इसके लिए कोई अलग वीडियो आप देख सकते हैं। सफलतापूर्वक लॉग इन होने के पश्चात उपयोगकर्ता राज किसान आवेदन डैशबोर्ड पर पहुंच जाता है। यानी आप SSO ID के माध्यम से राज किसान पोर्टल पर पहुंचेंगे और वहां पहुंचने के बाद में आपको यहां पर ये जन आधार कार्ड नंबर आपको यहां फिलअप करने और सबमिट करने हैं। नेक्स्ट राज किसान पोर्टल पर पहुंचकर आवेदनकर्ता अपने पंजीकरण जन आधार या भामाशाह कार्ड का चयन कर यानी जन आधार का नंबर आपको एंटर करने उसके बाद आपके नंबर पर OTP आएगी। यहाँ पर किसी एक सदस्य को आपको इनेबल करना है और उसके बाद में उसका जो आधार कार्ड नंबर लिंक है मोबाइल नंबर से उस पर OTP आएगी इस तरह की। यहाँ पर आपको OTP को इंटर करना है और आगे बढ़ना है। अब उपयोगकर्ता अपने डैशबोर्ड पर पहुंचेगा। यहीं पर स्क्रीन के बाईं ओर सभी मेनू प्रदर्शित होंगे जैसे कि कुल पंजीकरण प्रोफाइल सब्सिडी की जानकारी रिपोर्ट इत्यादि। पोर्टल पर पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु सर्वप्रथम उपयोगकर्ता का प्रोफाइल पंजीकृत होना आवश्यक है। इसलिए पोर्टल पर प्रदर्शित उपयोगकर्ता की सामान्य जानकारी को जानकर उपयोगकर्ता अगला बटन पर क्लिक कर बैंक विवरण की पुष्टि अपना प्रोफाइल पंजीकृत करता है। यानी कि जो आपने जन आधार कार्ड नंबर दिया है तो वहाँ से आपका बैंक नंबर लिंक होते हैं तो यहाँ पर ये वेरीफाई होते हैं। बैंक विवरण पुष्टि करने के पश्चात उपयोगकर्ता का पोर्टल पर पंजीकृत हो जाता है। यानी जिसका ई मित्र SSO ID बनी हुई है वो हैं
यूजर जो है ये राज किसान पोर्टल पर पंजीकृत हो जाएगा। ये देखिए ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जो है ये राज किसान पोर्टल है, इसकी ऐप भी होती है। ये है उपयोगकर्ता अब प्रोफाइल सेक्शन में जाकर अन्य जानकारियां भरकर पुष्टि करेगा। अगले चरण में सब्सिडी से संबंधित नियमावली को पढ़कर उपयोगकर्ता पुष्टि कर अगला बटन क्लिक करेगा। ये देखिए यहाँ पर फुहारा के अनुदान निर्देश है। आवेदन के पहले सारे निर्देश ध्यानपूर्वक पढ़ लें। जिन किसानों के नाम पर भूमि का स्वामित्व है, जल स्रोत के साथ पंप सेट है, वे अनुदान के लिए पात्र होंगे। न्यूनतम 0.2 हेक्टर तथा अधिकतम 5 हेक्टर तक अनुदान दे हैं। 5 हेक्टर पर सूक्ष्म सिंचाई के तहत एक बार अनुदान प्राप्ति के 7 वर्ष की समाप्ति के बाद ही दोबारा अनुदान प्राप्त करने होंगे। यानी अगर आपके 5 हेक्टर जमीन है, आपने एक बार अनुदान ले लिया है, तो उसके 7 वर्ष बाद आप दोबारा अनुदान ले सकते हैं। आवेदन के समय जरूरी दस्तावेज भूमि की जमाबंदी, पासबुक की प्रतिलिपि, भू स्वामित्व बिजली बिल, ये सब हम बता चुके हैं आपको। यानी कि यह पूरी जानकारी दी हुई है। यहाँ पर आवेदनकर्ता अपने से संबंधित सभी सामान्य जो इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, जैसे कि सभी का नाम, ये देखेगा इसका। अनुदान के स्थान का चयन करें, क्या पूर्व में अनुदान लिया है, यहाँ तो उसका विवरण। कुल 5 सेक्टर से अधिक नहीं होना चाहिए। फसल विस्तार, फसल का प्रकार, उत्पादक का नाम, सिंचाई का स्रोत, भूमि का विवरण जिसके लिए अनुदान लेना, भूमि जिसके नाम है, किसान श्रेणी, संबंधित दस्तावेज जैसे कि नोस्टलम शेयर जमाबंदी, ये जो होता है ऐसा प्रमाण पत्र होता है, जमाबंदी इत्यादि। तो ये फ्रेंड्स पूरा प्रोसेस है और मेरे हिसाब से एक साधारण किसान के लिए ये उपयोगी नहीं है। और ई मित्र पर आप जाकर के आवेदन करते हो तो आपको ये पूरा देखने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन जो ई मित्र पर काम करते हैं उनके लिए ज़रूरी है। तो इस पूरा PDF का लिंक मैं अपने डिस्क्राइब बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं।